ध्यान से देखिए भगवान श्री कृष्ण की इस गाय को। ये गाय प्रतिदिन यमुना नदी को पार करके वृंदावन में आती है। एक तरफ गोचर भूमि है और नदी के दूसरी तरफ वृंदावन नगरी है। तो प्रतिदिन सुबह गोचर में चरने जाती है और शाम को वापिस भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन में लौट आती है। तो नदी को बड़े आराम से पार कर देती है। काफी ज्यादा बुद्धि होती है भारतीय गायों में, बिल्कुल ममता से भरी होती हैं। एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, तब भारत में सिर्फ गायों का ही दूध पिया जाता था, अमृत तुल्य दूध पिया जाता था। तो ये देखिए आप शुद्ध हरियाणा नस्ल की गोधन जो यमुना नदी को पार करके गोचर भूमि से लौटकर वापस वृंदावन नगरी में आ चुकी है। तो यहाँ पर घाट पर जितने भी श्रद्धालु थे सभी गाय को देखने के लिए गाय के पास आ गए और गाय को बार बार हाथ लगाकर जो अपने शरीर पर अपने माथे पर लगा रहे हैं। ऐसी ममतामयी गायों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, इनको सड़कों पर बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये देखिए आप श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई जब इस गाय को इस तरह से नदी को पार करते हुए देखा गया।